पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश की विंध्य पहाड़ियों में स्थित एक मनमोहक जंगल है। पन्ना टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए तीन गेट है, अकोला, मडला और हिनौथा, जो तीन पठारों पर हैं। यह मडला और हिनौथा गेट के आसपास अधिकतर होटल, रिजॉर्ट और होम स्टे मिलेंगे। मडला गेट से एक घंटे की ड्राइव पर अकोला गेट है। यहाँ का मुख्य आकर्षण यहाँ के रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं। सन 2000 के आसपास बाघों की संख्या बिल्कुल खत्म हो गई थी। कंजर्वेशन के कारण अब बाघों की संख्या लगभग 80 है। यहाँ अन्य जानवर जैसे लेपर्ड, सांभर, चीतल, नीलगाय, स्लॉथ बियर, चिंकारा, चौसिंगा, लंगूर, जंगली सुअर और सियार अक्सर देखे जाते हैं। अधिक जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ये सुंदर सी जगह जो है गर्मियों में इन दिनों मतलब टाइगर का। यहाँ पर हमने पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियाँ देखी। सबसे खूबसूरत मुझे इंडियन फ्लाई कैचर लगा। यहाँ नाइट सफारी भी होती है जो कि बफर जोन में होती है और उसके टाइमिंग शाम 7 बजे से रात के 10 बजे तक है। रंग बिरंगे पत्थरों से मिलके बनी घाटी, इसीलिए बोलते हैं रंगला घाट। गाइड सभी सफारी में साथ चलते हैं और जंगल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। हम खुली जीप, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और चिलचिलाती धूप में जंगल सफारी करने आए हैं। ये सब पत्ता है, ये कौन है और पत्ता है? ये पत्ते की है तो ये वाला पत्ता है। अच्छा, इसका जो छील के उसमें निकल आएगा इसके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस रिजर्व में केन नदी के किनारे घाटियाँ इस जंगल को बहुत खूबसूरत बना देती हैं। इस नदी को जंगल की लाइफलाइन भी कहा जाता है।
पीछे कॉल आ रहा है। तो मैं कह रहा था ना पहले हम चलते हैं सेकंड फ्लोर, हम ही सबको देंगे। टाइगर किसको पहले बताया तो नहीं कह सकते। Sí, ese árbol que tiene las hojas verdes abajo, pues puede que desde ahí te lo estará tapando. Ah, vale, sí. Le trae un ciervo. हमने लेपर्ड अपने शिकार को खाते हुए देखा, जो एक रेयर साइटिंग थी। एक मिनट इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं आपस। चलो हो गया ना। ये वो क्या बोलते थे, सिकाड़ा ना। दिसंबर में आ जाती माइग्रेट, तो पानी खा रही है वाले ही फोटो भेज रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद मैं और मेरे पति अपनी गाड़ी से भारत की रिच हेरिटेज और वाइल्ड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे मैनमेड वाटर होल्स भी हैं, जिन्हें समय समय पर भरा जाता है। गर्मियों में पानी के आसपास आपको जानवर और पक्षी दिखाई देंगे।